हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मैजिकल स्कूल। फैंटास्टिक बीस्ट एंड द क्राइम्स ऑफ द ग्रिंडलवाल्ड अब तक तो हम सभी ने देख ही ली होगी, और अगर आपने अब तक मूवी नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले आप उस मूवी को देख लो, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। और इस वीडियो के बाद मैं मूवी का ब्रेकडाउन और बहुत सारे कन्फ्यूजिंग पार्ट को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अब अगर आप लोगों ने मूवी देख ली होगी तो आपके दिमाग में मूवी का एंडिंग पार्ट देखने के बाद क्रीडेंस यानी कि ओरेलियस डंबलडोर के बारे में जानने की इच्छा तो हुई होगी, और आपके भी दिमाग में एक सवाल आया होगा कि आखिर क्रीडेंस यानी कि ओरेलियस डंबलडोर डंबलडोर फैमिली से कैसे बिलोंग करता है। तो दोस्तों, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्रीडेंस डंबलडोर फैमिली से बिलोंग करता है या ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस से झूठ बोल रहा है, और कुछ फैन थ्योरी का भी ब्रेकडाउन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो पर 800 लाइक हैरी पॉटर सीरीज के नाम पर तो बनते हैं। मूवी के एंडिंग पार्ट में जब ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस की फैमिली के बारे में बता रहा होता है, तब वो यहाँ से शुरू करता है कि तुमने आज तक बहुत धोखे खाए हैं जो जानबूझकर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दिए हैं, वो जिन्हें तुम अपना मानते थे, और तुम्हारी इस बर्बादी का जश्न मनाने वाला तुम्हारा ही भाई तुम्हें मिटा देना चाहता है। तभी ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस को फीनिक्स दिखाता है और बताता है कि माना जाता है कि फीनिक्स तुम्हारे घर के उस सदस्य के पास आ जाएगा जो मुसीबत में होगा, और ये तुम्हारा पैदाइशी हक है। और अब मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ नाम बताने जा रहा हूँ, ओरेलियस डंबलडोर। और सबसे पहली फैन थ्योरी ये है कि क्रीडेंस डंबलडोर की बहन एरियाना का बेटा है। अगर आपको डंबलडोर की बहन एरियाना के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। एरियाना डंबलडोर का जन्म 1885 में हुआ था, और जब वो 6 साल की थी तो एरियाना को कुछ मगल बच्चों ने टॉर्चर किया था। लेकिन एग्जैक्टली एरियाना के साथ उन मगल बच्चों ने क्या किया था, इस बात को क्लियरली मेंशन नहीं किया गया, और इसके बाद वो अपने ही जादू को अपने अंदर दबाने लगी और एक ऑब्सिक्यूरस यानी कि अदम्य शक्ति में बदल गई। और इस फैन थ्योरी के हिसाब से एरियाना के साथ उस दिन उन मगल बच्चों ने कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से क्रीडेंस का जन्म होता है, और इसी वजह से वो डंबलडोर फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन ये फैन थ्योरी सच नहीं हो सकती। वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। जब वो मगल बच्चे एरियाना को टॉर्चर करते हैं, उसके बाद एरियाना के पिता पर्सिवल डंबलडोर गुस्से में आकर उन तीनों मगल बच्चों पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण उनको अस्कबान में डाल दिया जाता है। और 1899 में जब एरियाना 14 साल की होती है तो उसकी मौत हो जाती है, जबकि क्रीडेंस का जन्म तो 1901 में होता है। तो ये बात तो साफ हो जाती है कि क्रीडेंस एरियाना का बेटा नहीं हो सकता। और अब दूसरी थ्योरी ये कहती है कि क्रीडेंस डंबलडोर फैमिली से ब्लड रिलेटेड है, यानी कि वो एल्बस डंबलडोर का भाई है। लेकिन ये थ्योरी भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ना तो क्रीडेंस का नाम डंबलडोर फैमिली ट्री में कहीं दिखाया गया, और पर्सिवल डंबलडोर यानी कि एल्बस डंबलडोर के पिता की मौत 1890 में अस्कबान जेल में हो जाती है, जबकि क्रीडेंस का जन्म 1901 में हुआ था। तो ये बात भी साफ है कि क्रीडेंस डंबलडोर का भाई नहीं हो सकता। हमने मूवी की स्टार्टिंग से ये बात तो सुनी ही थी कि ग्रिंडलवाल्ड सबको अपनी बातों में रिझाने में माहिर है, और किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकता है, जैसे उसने क्वीनी को अपनी बातों में फंसा कर अपनी तरफ कर लिया, जबकि क्वीनी किसी का भी दिमाग पढ़ सकती थी। तो शायद ये भी हो सकता है कि ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस से झूठ बोल रहा हो, क्योंकि फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम से ही हमने देखा कि ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस की तरफ काफी अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसको क्रीडेंस के ऑब्सिक्यूरस की जरूरत है। तो ये बात भी हो सकती है कि ग्रिंडलवाल्ड अपना काम निकालने के लिए क्रीडेंस को डंबलडोर के खिलाफ भड़का रहा हो, ताकि क्रीडेंस गुस्से में आकर डंबलडोर को मार दे। क्योंकि दोस्तों, हमने शुरू से ही देखा है एक ऑब्सिक्यूरल यानी कि अदम्य शक्ति जब गुस्से में होती है तो उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। हमको ये भी याद रखना चाहिए कि इसकी स्टोरी जेके रोलिंग ने लिखी है, जो कभी भी किसी करेक्टर और किसी सीन को मूवी में ऐसे ही नहीं डालती। जब भी वो कुछ दिखाती हैं या लिखती हैं, उसका कुछ ना कुछ मतलब तो होता ही है। और इस बात का प्रूफ मैं आपको देता हूँ। हमने मूवी के लास्ट में ग्रिंडलवाल्ड से सुना कि एक फीनिक्स
उस डंबलडोर के पास आ जाएगा जो मुसीबत में होगा। और उसी टाइम मूवी में फीनिक्स क्रीडेंस यानी कि ऑरेलियस डंबलडोर के पास आ जाता है। तो ये बात तो साफ होती है कि क्रीडेंस का डंबलडोर फैमिली से कुछ ना कुछ लिंक तो है, पर कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। हम सभी ने फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम में न्यूट से सुना था कि एक ऑब्सक्यूरल शरीर के बाहर भी जिंदा रह सकता है, और एक ऐसा ही ऑब्सक्यूरल न्यूट भी लेकर घूम रहा होता है अपने सभी बीस्ट के साथ। तो हो सकता है कि एरियाना का ऑब्सक्यूरल निकल कर क्रीडेंस के साथ मिल गया हो और इसी वजह से वो डंबलडोर फैमिली से लिंक हो, और इसी वजह से उस टाइम फीनिक्स क्रीडेंस के पास आ गया हो, और ग्रिंडलवॉल्ड ये झूठ बोलने में कामयाब हो गया हो कि क्रीडेंस एल्बस डंबलडोर का भाई है। और ये थ्योरी इसमें हर जगह फिट बैठती है क्योंकि इसमें फीनिक्स क्रीडेंस के पास आ जाता है और ग्रिंडलवॉल्ड ये झूठ बोलने में भी कामयाब हो जाता है कि क्रीडेंस डंबलडोर का भाई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपके भी दिमाग में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई थ्योरी हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।